व्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। गाड़ी का कट लगने के विवाद में हत्या, बोलेरो से 21 पेटी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। हुड़केश्वर रोड चंद्रकिरण नगर इलाके में गाड़ी से कट लगने के विवाद में आरोपियों ने एक 25 वर्षीय युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। मृतक पिपला फाटा निवासी जितेंद्र विकास चोपड़े है, जबकि जितेंद्र का मित्र गंभीर रूप से घायल है। जितेंद्र एक फाइबर कंपनी में काम करता था। आरोपियों में हुड़केश्वर नाका सावर बांधे लेआउट निवासी विजय राजेश उग्रेजा, रवि राजेश उग्रेजा, एक नाबालिग सहित अन्य का समावेश है। जितेंद्र चोपड़े, प्रकाश तिवारी और सौरभ भारद्वाज तीनों आउटर रिंग स्थित त्रिमूर्ति ढाबे पर भोजन करने गए थे। वहां लौटते समय चंद्रकिरण नगर रोड की गली पर आरोपी विजय उग्रेजा की गाड़ी खड़ी थी। यह देखकर जितेंद्र का विजय से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया। आरोपी विजय ने अपने भाई रवि और अन्य को घटनास्थल पर बुला लिया। इसके बाद गाड़ी के की चेन में लगा छोटा चाकू निकालकर जितेंद्र पर हमला कर दिया। जितेंद्र के सिर, छाती और पेट पर गंभीर वार किए। इस दौरान बीच बचाव करने वाले प्रकाश तिवारी को भी जख्मी कर दिया गया। दोनों जख्मियों को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। मृतक का शव लेकर रिश्तेदार थाने के सामने रुक गए हैं। रिश्तेदारों का आरोप है कि जितेंद्र पर हमले के दौरान 5 आरोपी मौजूद थे। नाबालिग सहित केवल 3 आरोपी ही दिखाए जा रहे हैं और हत्या के मुख्य सूत्रधारों को बचाया जा रहा है। समझाने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अगली खबर, बोलेरो वाहन से अवैध शराब की खेप ले जा रहे एक आरोपी को पुलिस ने पीछा कर धर दबोचा। आरोपी राहुल गुप्ता 26 वर्षीय वाठोड़ा नंदनवन का निवासी है। आरोपी के पास से 21 पेटी विदेशी शराब, वाहन व मोबाइल सहित करीब 9,02,000 रुपए का माल जब्त किया गया। कलमना थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार उपनिरीक्षक अनिल इंगोले को शनिवार को गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद रंग की बोलेरो वाहन में अवैध शराब सरजाबार से पावन गांव रोड की ओर जा रही है। पुलिस ने जाल बिछाया और भरतवाड़ा रोड पर वाहन को रोकने की कोशिश की गई, तो चालक ने स्पीड बढ़ा दी। पश्चात पुलिस दल ने पीछा कर बोलेरो को गुलमोहर नगर भरतवाड़ा रोड पर पकड़ा। वाहन की तलाशी में विविध कंपनियों की विस्की, स्कॉच सहित 21 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई। कीमत करीब 4,96,000 रुपए बताई गई है। आरोपी बिना लाइसेंस शराब ले जा रहा था। आरोपी शराब की खेप कहां ले जा रहा था, इस बारे में पुलिस की पूछताछ शुरू है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।